अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते आज की टॉप 10 न्यूज। अगर न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब और लोगों को ये आगे वीडियो रिकमेंड करे। लोगों की भारी डिमांड और बेहतरीन रिस्पॉन्स को देखते हुए हैप्पी शॉप ने एक बार फिर लॉन्च किया है फ्री पेट्रोल ऑफर, जहाँ आपको 500 रुपए से ज्यादा की हर शॉपिंग पर मिलेगा फ्री पेट्रोल। ये ऑफर 1 अक्टूबर से शुरू होगा। वही हैप्पी शॉप्स इंपोर्टेड चॉकलेट्स, इंपोर्टेड ड्रिंक्स और प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स के लिए काफी फेमस है। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप चाविंद्रा भिवंडी। भिवंडी के डंपिंग ग्राउंड की खराब सड़क के कारण गाड़ियां जाने को नहीं है तैयार। भिवंडी मनपा द्वारा बनाए गए डंपिंग ग्राउंड तक जाने का रास्ता बेहद खराब है, जहाँ जाने के लिए कोई भी डंपिंग गाड़ी तैयार नहीं है और ड्राइवर भी कई दिनों से कचरे की गाड़ियां खड़ी कर दिए हैं, जिससे परेशान होकर वहां के स्थानिक लोग मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी की लापरवाही बताते हुए रोड पर उतरकर आंदोलन किया। भिवंडी खाड़ी पार ग्राम पंचायत के सरपंच बने अल्ताफ बाली। हाल ही में भिवंडी खाड़ी पार के खूनी ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ, जिसमें अल्ताफ बाली सरपंच बने। अल्ताफ बाली ने कहा कि पिछली बार सरपंच बनने के बाद लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला और उनके कई सपने भी अधूरे रह गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने खाड़ी पार के नक्शे को बदलने की ठान ली है। साथ ही लोगों की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया है। भिवंडी के खाड़ी पार में ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा ने कराई इज्तिमाई शादी। ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा ने आर्थिक तंगी के कारण शादी ना होने वाली लड़कियों के लिए इज्तिमाई शादी का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में कुल 11 जोड़ों का निकाह कराया गया। सभी चीजों का इंतजाम ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा ने किया, जिसमें बहुत से लोगों ने भी ताउन किया। भिवंडी के प्रेसिडेंट शकील भाई ने बताया कि कोविड के बाद से बहुत सी बच्चियों की शादी रुक गई थी, जिनका रिश्ता लगा हुआ है लेकिन माली हालत खराब होने की वजह से शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए उन्होंने इज्तिमाई शादी का आयोजन किया। भिवंडी शहर महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद्य ने अवैध इमारतों को जमीन दोस्त करने का निर्देश दिया है। इस क्रम में मंगलवार को अजय वैद्य ने नएगांव का दौरा किया। राजधानी होटल के पास बन रही अवैध इमारत को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद तोड़क कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन जमीन मालिक ने पालिका अधिकारियों से सांडघाट का तोड़क कार्रवाई रुकवा दी। पालिका आयुक्त पद पर IAS रैंक के अधिकारी की नियुक्ति की मांग। राष्ट्रवादी कांग्रेस सेवा दल भिवंडी शहर अध्यक्ष देवानंद आर गौड़ ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस और नगर सचिव को निवेदन पत्र देकर भिवंडी पालिका के विद्यमान प्रशासक एवं आयुक्त अजय वैद्य की बदली कर उनकी जगह पर IAS रैंक के अधिकारी की नियुक्ति की मांग की है। इसके साथ साथ उन्होंने आरोप भी लगाया है विद्यमान आयुक्त अजय वैद्य के कारण पालिका का कार्यभार चरमरा गया है, मुख्यालय सहित अन्य विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बांद्रा वर्ली सीलिंग पर 6 गाड़ियों का एक्सीडेंट होने से हुई 3 लोगों की मौत। जानकारी के मुताबिक बीती रात 10:15 के करीब वर्ली से बांद्रा की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कार बांद्रा वर्ली सीलिंग पर वर्ली टोल बूथ से 100 मीटर पहले किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई और फिर 2-3 अन्य गाड़ियों से भी टकरा गई। इस तरह कुल 6 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई और इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए, जिसमें से 3 की मौत हो गई और 6 को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। थाने कलवा में कंपाउंड की दीवार गिरने से 4 गाड़ियां हुई डैमेज। सुबह 11:30 के करीब थाने के कलवा में गोलाई नगर की एक हाउसिंग सोसाइटी कंपाउंड की दीवार गिर गई, जिससे बाहर खड़ी 4 गाड़ियां डैमेज हो गई। हादसे की खबर मिलने पर थाने डिजास्टर मैनेजमेंट के जवान और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर दीवार के आसपास का हिस्सा बंद किया और कार को साइड किया। इस हादसे में कोई भी जान हानि नहीं। मुंबई में एक महिला इंजीनियर के साथ हुई धोखाधड़ी। जानकारी के मुताबिक महिला अहमदाबाद से अक्सर कंपनी के काम के लिए मुंबई आती थी। इस बार 6 नवंबर को महिला मुंबई आई थी और 7 नवंबर को महिला को एक अज्ञात कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर कंपनी का बताया और कहा कि आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग हुआ है। फिर मुंबई पुलिस सीनियर ऑफिसर के नाम से महिला को कॉन्फिडेंस में लेकर अलग अलग बहाने से लगभग 6 लाख रुपए ले लिए, जिसकी शिकायत महिला ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। पुलिस कर रही आगे की जांच। डिप्यूटी सीएम के नाम पर ठगी। केशव प्रसाद का रिश्तेदार हूँ, लगवा दूंगा सरकारी नौकरी। आगरा से ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रिश्तेदार बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने अपनी पहुंच बताते हुए सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया। सरकारी नौकरी के लालच में आकर एक युवक ने उसे 5.25 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद आरोपी ने खुद को डिप्यूटी सीएम का रिश्तेदार बताते हुए उल्टा फंसाने की धमकी भी दी, जिसके बाद युवक ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। पुलिस कर रही आगे की जांच। आज सेंसेक्स 72 अंकों की बढ़त के साथ 64,904 पर हुआ बंद।
वहीं निफ्टी 30 अंकों की बढ़त के साथ 19,425 पर हुआ बंद। गोल्ड 59,729 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 70,201 और क्रूड 86,441 पर ट्रेड करते हुए। अपने बच्चों को मोबाइल और सोशल मीडिया की ज़िंदगी से बाहर निकालिए और भेजिए 3 डेज एडवेंचर कैंप में। इस दिवाली अपने बच्चों को दीजिए एक अनोखा एक्सपीरियंस। ऑल स्पोर्ट्स कराटेडू फेडरेशन ले जा रहे हैं 16, 17 और 18 नवंबर को 3 डेज एडवेंचर कैंप महाबलेश्वर में, जहां बच्चों को आर्चरी, रोप क्लाइंबिंग, हॉर्स राइडिंग, जिमनास्टिक, स्विमिंग, मार्शल आर्ट्स और जंगल ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही रिजॉर्ट स्टे एंड डिलीशियस प्योर वेज फूड रहेगा। इस कैंप में 5 साल से ऊपर बच्चे और बड़े, लड़का लड़की सभी आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।